गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम डाउकी बांग्लादेश बॉर्डर। आज है हमारा राइड का आखिरी दिन। आज हम जा रहे हैं फ्रॉम डाउकी टूवर्ड्स गुवाहाटी। राइड विल एंड, मतलब व्लॉग्स तो आएंगे, ट्रिप तो एंड नहीं हुई है। ट्रिप तो अभी कल बाइक शिप करना है, फिर उसके बाद हमको खुद को शिप करना है, तो ये सब चलता रहेगा। तो एनीवेज, रात को मैंने एडिटिंग किया, 1 बजे सोया हूँ और रात को एडिटिंग को लगाया, 20% हुआ था। अभी सुबह मैंने पूरा अपलोड कर दिया, स्लो स्पीड थी लेकिन काम हो गया अपना। अभी निकलते हैं, थोड़ा लेट हो गया, 10:15 बजे, लेकिन आई थिंक 6 से 6 घंटों में हम मैक्सिमम पहुँच जाएंगे। 6 बजे तक वी शुड रीच गुवाहाटी। आई एम जस्ट वेटिंग टू गो होम। बहुत दिन हो गए अभी और फैमिली की बड़ी याद आ रही है, तो अभी एंडिंग में ऐसे ही होता है। मैं तो सब नीचे जा चुके हैं, यहाँ पे मैंने अभी वीडियो पब्लिश किया। अभी मैं बैग नीचे लेके जाके पैक करके निकलते हैं फ्रॉम बांग्लादेश बॉर्डर। कितने बॉर्डर देख लिए मैंने ये साल में। मैंने पाकिस्तान बॉर्डर देख लिया, चाइना बॉर्डर देखते देखते रह गया, लेकिन उसके नज़दीक तो गया। भूटान बॉर्डर भी बहुत नज़दीक था और बांग्लादेश बॉर्डर देख गया। बांग्लादेश के अंदर भी जाके आ गया, मतलब एक पैर डाल के आ गया। चलो कोई नहीं, करते हैं पैक, निकलते हैं टूवर्ड्स गुवाहाटी। आप लोग अगर डाउकी आते हो, यहाँ पे आपको ढंग के होटल्स नहीं मिलेंगे, तो ये देखो यहाँ आप स्टे कर सकते हो। आपको मेन मार्केट में मिल जाएगा ये लामिन गेस्ट हाउस, आपको बोर्ड पे दिख जाएगा। यहाँ पे आपको पार्किंग मिल जाएगी, सबसे अच्छी बात इफ़ यू आर अ बाइकर। तो रूम भी डिसेंट है, मतलब अच्छा ही है, और 1500, 2000, 3000 ऐसा रेंज है। तो ये एक ही डिसेंट होटल हमको मिला, बाकी पूरे डाउकी में कोई भी डिसेंट होटल हमको नहीं दिखा। अभी और कहीं होंगे तो पता नहीं। चलो निकलते, चलो बांग्लादेश मिलते हैं। बाय बाय। डाउकी से हम निकल रहे हैं और ये हमने प्लान बना लिया कि कभी हम बांग्लादेश में भी जाएंगे, वहाँ पर भी राइड करेंगे। वहाँ पे थोड़ा लिमिटेशन है सीसी का, तो वहाँ जाके ही रेंट पे ले लेंगे। देखते हैं, अभी प्लान तो बहुत बनाते हैं हम। फिलहाल ये रास्ता देखो, ओहो मुक्तिनाथ, बहुत ही ख़राब रास्ते हैं यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। तो हम लोग अभी जा रहे हैं गुवाहाटी, और गुवाहाटी का हम कोई और डिफरेंट रूट पकड़ रहे हैं, जोवाई वाला रूट। तो लोकल से कुछ बोलते हैं कि वहाँ का ये वाला रूट थोड़ा बेटर है, वो वाला भी अच्छा ही है, लेकिन टॉकी के पहले कुछ 20-25 किलोमीटर रास्ता बहुत ख़राब है ना भैया। जो आई हाँ, सीधा है ना। चलो रास्ता तो यहाँ बन रहा है, जो आई वाला रोड हमको सही लग रहा है। वैसे तो 1-2 साल में उधर का भी रोड बन ही जाएगा शायद। इतने सारे ट्रक्स मैंने कभी नहीं देखे, बहुत कम, 1000 से ज़्यादा ट्रक्स देखेंगे शायद अपन ने अब तक। नहीं, कश्मीर श्रीनगर गए थे, वो सबसे ज़्यादा ट्रक्स थे सही में। वो तो पूरा बेनियाल से श्रीनगर तक ट्रक्स ही ट्रक्स थे। तो ये आता है 2nd नंबर पे। वो देखो वहाँ है एक बढ़िया वाटरफॉल लग रहा है, देखते हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा है मेघालय में, पर ये बारिश में मस्त होता होगा ना, ग्रीन। यहाँ से यहाँ तो आ गया, नीचे से ही रास्ता है ना वो, नहीं वही से शायद, यहाँ से तो रास्ता नदी है यहाँ से। ओ भाई साहब थोड़ा ध्यान से जाना पड़ेगा। ठीक है, लगेज है इसीलिए थोड़ा सा डर लगता है। ये रास्ता निकल कहाँ से रहा है वो रास्ता? नाइस व्यू। ओह यहाँ पे क्या केव्स बनी है? ओह ये क्या अजीब सी केव्स बनाई है पता नहीं। वो देखो ऊपर भी है, वो बनाई है मेरे को लगता है, खोद के कुछ निकाला है वही तो देखो। अरे बाप रे, ये तो बहुत अंदर जाती है प्रॉपर। क्या है ये, मतलब समझा नहीं मेरे को, ये गुफा है और नेचुरली बनी हुई है। हाँ लग तो रहा है, कैसा मतलब। गाइस आपको पता होगा तो कमेंट करके बताइए। बारिश में कतई खूबसूरत अनुपम दृश्य होगा यहाँ पे। हाँ पीछे कौन सा टायर, पीछे का टायर में क्या बात कर रहे हो, कम है? अच्छा ज़्यादा कम है क्या? ऐसा लग रहा है, एकदम कम नहीं है पर ऐसे कम लग रही है, पता नहीं। वही मैं सोच रहा हूँ यार, थोड़ा सा वॉबली फील हो रहा है पीछे, चेक कर ले क्या? हाँ चेक कर लेते हैं। चलो चेक करते हैं। तो इसको मैं सेट कर देता हूँ अभी 33.5 पे। पहले तो चेक करेंगे प्रेशर कितना है। ओ 23 है यार, प्रेशर कम हो गया फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो, शायद ना 2 दिन से ऑफ रोडिंग बहुत हो रही होगी, तो यू नेवर नो। चलो अच्छा है, पता चल गया, अच्छा हो गया ये कैरी कर रहे हैं हम, ये तो पता नहीं क्या होता। चलो इसको स्टार्ट कर देंगे। ऑलमोस्ट 10 PSI कम हो गया था,
इसीलिए थोड़ा वॉबली वॉबली फील आ रहा था मुझे फॉर सम रीजन। चलो ऑलमोस्ट डन हो गया। तो देखा बॉस, कहीं पे भी हवा कम हो जाती है ना तो ऐसी चीज काम आती है। दिस इज क्यूबो स्मार्ट टायर इन्फ्लेटर। ये पोर्टेबल इन्फ्लेटर है, कॉर्डलेस है, इसमें बैटरी 2000 mAh की है तो ये काफ़ी लंबा चल जाता है। और इनफैक्ट मैंने इसको काफ़ी टाइम से चार्ज भी नहीं किया है और ये 150 PSI तक प्रेशर भर सकता है, सोचो। प्लस इसमें है ऑटो कट ऑफ फीचर। ऑटो कट ऑफ मतलब देखा अपन ने, मैंने जितना सेट किया था बस 33.5 पे वो बंद हो गया ऑटोमेटिकली। और यहाँ से इसकी चार्जिंग होती है और यहाँ पे एक लाइट भी दिया हुआ जस्ट इन केस इफ यू नीड इट। काफ़ी अच्छा रगेड डिज़ाइन है, फील्स वेरी सॉलिड इन हैंड एंड विद LED डिस्प्ले, इमरजेंसी लाइट एंड दिस सॉलिड पाइप, ये काफ़ी सॉलिड है। दिस इज़ अ वेरी गुड पैकेज। ये हमेशा आपके गाड़ी में कैरी कर सकते हैं, बहुत छोटा है, आराम से इसको कहीं भी रख सकते हैं। इसके अंदर एक पाउच भी आता है, पाउच में इसको रख के यू कैन ईजिली टेक इट एनीवेयर। इसमें 5 अलग अलग प्रीसेट मोड भी है जिससे आप बाइक या बाइसिकल या फुटबॉल एक्सेट्रा इसमें हवा भर सकते हैं। आपको अगर खरीदना है यूजिंग माई कूपन कोड WONDER10 आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन क्यूबो वर्ल्ड वेबसाइट। नीचे डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना। अगर आपको फ्लिपकार्ट से खरीदना है तो आप फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक दे दूंगा। और यार बाइकर हो तो ये डेफिनेटली आप अपने साथ कैरी करो। इसको तो मैं मेरे टैंक बैग में रख देता हूँ, वेरी इजी, ये तो पॉकेट में भी आराम से रख सकते हैं। वंडरफुल प्रोडक्ट, टोटली वर्थ इट। ये देखो उधर ही का ल्यूब। जब हम पहुंच रहे हैं फाइनल राइड खत्म हो रही है, एक बार मारा था ना, इसका गूगल पे करना पड़ेगा क्या? इसका गूगल पे करना पड़ेगा। थोड़ा सा के 5 रुपए का, बस बहुत हो गया। चलो हो गया, टायर में हवा और ल्यूब दोनों काम हो गए, बस छोटा सा ब्रेक और निकलते हैं। ओके, यहाँ से हमको गुवाहाटी है स्ट्रेट और शिलोंग है लेफ्ट में 35 किलोमीटर। गुवाहाटी बस 120। चलो थोड़ा तेल भर ले। 96, सस्ता पेट्रोल है यहाँ पे। गुवाहाटी ऐसे ही है, 96 इतना ही है। हमारे यहाँ 106 650। ओहो, कितने टाइम बाद टोल प्लाजा दिखा। अच्छी स्पीड में जा रहे हैं। इनफैक्ट ये हाईवे ज़्यादा बेटर है, तो आप लोग आ रहे होंगे तो ये साइड से ही आओ, क्योंकि अगर शिलोंग नहीं जाना है तो बहुत अच्छा रोड है और स्ट्रेट स्ट्रेट है, ज़्यादा कर्व नहीं है। बारिश के असर लग रहे क्या? ओहो, मस्त रोड है यार। चलो कुछ खा ले। तो आ गए हम हमारे यूजुअल खाने पे, दाल तड़का, रोटी, और एक्चुअली बहुत अच्छा है, फ्रेश मिलता है ना। चलो यहाँ से बस 2 घंटे लगेंगे, ज़्यादा नहीं, तो आई थिंक हम 5 बजे तक पहुँच जाएंगे होपफुली। अभी कितने बजे? 2:30। आइए लीजिए। देवी और सज्जन, ये दे मक्खी, यहाँ पर मैं बैठ के पीते हैं चाय, सूर के पियेंगे। अरे शक्कर, अरे नमक है मेरे भाई। अरे भैया शक्कर नहीं दिया आपने, बिना शक्कर का दे दिया। झोपे थे वो तो, जाओ दे। तो हम लोग आए थे वहाँ से, गुवाहाटी से हमने मारा था टर्न शिलोंग। यहाँ से शिलोंग ज़्यादा है नहीं, अभी हम लोग जाएंगे स्ट्रेट टूवर्ड्स गुवाहाटी और यहाँ पे होगा डैम। ओ वाह, यहाँ से तो मस्त व्यू दिख रहा है, नाइस। देखो बोटिंग भी हो रही है मस्त फास्ट वाली। और इतने बड़े गेट पे ऐसा मुर्गा क्यों है? चलो मिस करूंगा यार नॉर्थ ईस्ट को, पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लिया अपन ने, बहुत सारे अलग अलग वो भी हो गया जी। हमारा स्वागत गुवाहाटी के घोटबंदर रोड में। अभी यहाँ पे कुछ देर यही चलेगा। 9.2 किलोमीटर टू होटल। एक्चुअली राइड यहाँ ख़त्म नहीं होगी, राइड ख़त्म होगी अपने दोस्त के यहाँ पे, इवान के यहाँ पे, जहाँ से हमने शुरू की थी। चलो जी ऑलमोस्ट राइड हो चुकी है ख़त्म, दैट्स इट। ये हुई ना बात, ये चीयर्स। सो फाइनली ट्रिप इज ऑलमोस्ट ओवर नाउ, अभी बस हम घर पे पहुँचना बाकी है और बाइक्स पहुँचना बाकी है। क्या अमेजिंग ट्रिप थी ये। ट्रिप में मैंने बहुत कुछ
कुछ यूनिक देखा, बहुत सारा यूनिक देखा। इतना यूनिक कोई भी एक ट्रिप में मैंने नहीं देखा है। हमेशा अलग अलग जगह जाते हैं तो अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, इस बार एक ही ट्रिप में इतने सारे एक्सपीरियंस हो गए थैंक्स टू नॉर्थ ईस्ट। इतना ज़्यादा वर्साटाइल, इतना ज़्यादा डिफरेंट है नॉर्थ ईस्ट कि हमने तो अभी तक तो कुछ भी नहीं घूमा ऐसा लग रहा है। इतना बड़ा है, मतलब जितना अभी विदंत भैया जो है काजीरंगा में मिले थे वो अभी हमसे मिले यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने बताया कुछ कुछ चीज़ें मणिपुर के बारे में, मिजोरम वो साइड में, नागालैंड के बारे में। वो सब तो जाएंगे कब पता नहीं यार, बहुत बड़ा है। कम से कम 3-4 ट्रिप से कम तो नॉर्थ ईस्ट कवर हो ही नहीं सकता। तो अगर आप आ रहे हो तो ऐसा प्लान करना कि एक एक जगह का फोकस रखना, सब एक साथ नहीं कर सकते आप, चाहे वो 1 महीने की ट्रिप हो, 2 महीने की ट्रिप हो, इतना बड़ा नॉर्थ ईस्ट है। एनीवेज, आई होप आपको वीडियोस पसंद आए, थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर आपने सारी सीरीज़ नहीं देखी तो ज़रूर देख दो, फैमिली के साथ बैठ के टीवी पे देखो, मज़ा आएगा। और थैंक यू सो मच, आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगा मुझे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करूँ, मतलब कैसा कि हमारा भी थोड़ा, मेरा भी थोड़ा उसमें फ़ायदा हो जाता है, काफ़ी सारे व्यूज़ आते हैं तो फिर अच्छा लगता है। नहीं तो फिर ऐसा लगता है कि यार इतने मेहनत करके ना कभी कभी कम व्यूज़ आ जाता है। स्टार्टिंग में बहुत लोग देखते हैं, ये हर यूट्यूबर का। उस दिन सत्य से मैं मिला, सत्य भी यही बोल रहा था कि शुरुआत के वीडियोज़ काफ़ी लोग देखते हैं, बाद में फिर करते थे। बड़ी बड़ी ट्रिप्स करने का फ़ायदा क्या है, हम लोग घूमते हमारे लिए, लेकिन उसमें काफ़ी सारा पार्ट आपके लिए भी होता है क्योंकि आप लोग को ट्रैवलिंग देखना पसंद है। तो अगर आप लोग का सपोर्ट हो तो ही हम ज़्यादा से ज़्यादा घूमेंगे, नहीं तो फिर हमारे लिए हम घूमते रहेंगे तो फिर वो इतनी बड़ी ट्रिप्स नहीं होंगे, हमारे हिसाब से होगी। फिर इतनी मेहनत जो कर रहे हैं उसका जो फल है वो आपके व्यूज से आता है। इसीलिए शेयर कीजिए वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ, ग्रुप्स में, और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल।